आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन हमें करना है। यहाँ पर तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो कितनी है। ये हमें दे रखा है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का मान आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम जूल में लिखेंगे तो ये मान आ जाएगा कितना, -13.6 × 10^-19 जूल के बराबर ही आ जाएगा। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 2.2 × 10^-18 जूल। अब हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है E = -ZE²/8π0R, जहाँ पर जो जेड होता है उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है, ई जो होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10^-19, और यहाँ पर जो R होता है वो उसकी त्रिज्या होती है। और यहाँ पर हमने E का जो मान निकाला था वो कितना था, ये था -2.2 × 10^-18 जूल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो E होगा वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के, मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो माइनस का ZE²/8π0R जो होगा ये बराबर हो जाएगा -2.2 × 10^-18 जूल के बराबर। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जेड का मान हाइड्रोजन के लिए एक होता है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, तो ये हो जाएगा 1 × E²/8π0R = ये हो जाएगा 2.2 × 10^-18। तो यहाँ से अगर हम R का मान निकालें तो R का मान हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा E²/8π0 × 2.2 × 10^-18। अब E का मान और 8π0 इन सब का मान रखेंगे यहाँ से, तो R का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1.6 × 10^-19² × 1/8π0 का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 × 10^-9/2, और ये 2 × 2 × 10^-18 यहाँ पे था ही। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो R का मान आएगा ये आ जाएगा लगभग 5.3 × 10^-11 मीटर। तो यहाँ से हमें जो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या आई उसका मान आ गया R = 5.3 × 10^-11 मीटर। अब परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग हमें पता करना है, तो परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग को अगर V माने तो यहाँ पर हमें V का मान पता करना है। तो हम जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा होगी वो इसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, मतलब 1/2 mv² जो होगा वो इसके कुल ऊर्जा के बराबर होगा, मतलब ये हो जाएगा कितना, ZE²/8π0R के बराबर होगा। तो यहाँ से ये 2 से 8 4 टाइम्स पे कैंसिल होगा और m नीचे चलाएगा, तो यहाँ से जो v² का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, v² का मान आ गया ZE²/4π0R × m, ये m को इधर ला दिया, तो यहाँ से जो v का मान होगा वो हो जाएगा √ZE²/4π0R × m। तो यहाँ से चूंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z का मान होता है वो एक होता है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है वो एक होती है, तो यहाँ से जो V का मान आएगा इसको एक रखेंगे तो ये हो जाएगा √E², तो ये √ से बाहर निकल के ई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √4π0R × m। तो अब इसमें हम मान रखते हैं, तो इसमें अगर हम मान रखेंगे तो V का यहाँ से मान आ जाएगा, ये आ जाएगा E का मान 1.6 × 10^-19 × 1/4π0 का मान होता है 9 × 10^9, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट में है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 × 10^
9 बट्टे आर का अंडर रूट आर का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9.10, एम का मान है 9.1 इंटू 10^-31 इंटू आर का जो मान हमने निकाला था वो कितना था, हमने आर का मान यहाँ पर निकाला था 5.3 इंटू 10^-11, तो ये हो जाएगा 5.3 इंटू 10^-11। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो हमें वी का मान मिलेगा वो हो जाएगा लगभग 2.2×10^6 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से जो हमें इलेक्ट्रॉन का वेग मिला वो कितना मिल गया, ये मिल गया v इक्वल टू 2.2×10^6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।